फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो बताओ, मैं आज अपन क्या बनाने वाले हैं? आज बनाने वाली हूँ मैं शादियों में बनने वाले स्टार्टर चिकन के कबाब। अरे मेरे शादी वाला बोलो ना। हाँ, तेरी शादी वाला। तो आज हमें बनाने वाले है मेरी शादी वाला कबाब, यानी की मेरी शादी में हमने जो स्टार्टर रखे थे ना उसमें कबाब था, बहुत ही मस्त था। अभी हमने काके टाइम पे बताया तो, और उसके बाद बहुत से कमेंट्स आए की आंटी वो वाले कबाब की रेसिपी डालो। अभी रमजान में कैसा है ना, लोग अलग अलग तरीके का कबाब बना के खाते हैं, तो मैंने बोले चलो अपन वो वाला कबाब बना लेते हैं। ये स्टार्टर की जरूरत तो सबको रहती ना रमजान में। हाँ, और अम्मी ने ये कबाब की रेसिपी जिनको हम लोग ने ऑर्डर दिए थे ना, अम्मी ने जाके उनसे पूछे है रेसिपी ना। हाँ। तो आज आप लोगों के साथ वो वाले कबाब शेयर होने वाले हैं। तो चलो फिर नजर मारते हैं मेरी शादी वाले कबाब बनाने के लिए क्या क्या लेंगे। चलो, तो सबसे पहले लेंगे हम चिकन का कीमा, पुदीना, कोथमीर, मोजरेला चीज, अदरक लहसुन पेस्ट, प्याज, मस्का, कुटा हुआ धनिया, हरी मिर्ची, नींबू, ग्रीन फूड कलर, रेड फूड कलर, काली मिर्ची पाउडर, ब्रेड क्रम, गरम मसाला, यहाँ हमको लगेगा मिर्ची की बुक्की, हल्दी की बुक्की, जीरे की बुक्की, धनिया की बुक्की। तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले ली हूँ आधा किलो चिकन का कीमा, इसको मैंने बारीक अच्छे से पीस कर लेके आई हूँ मिक्सर में, आप भी पीस लेना, ठीक है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मसाले। तो सबसे पहला मैं अदरक लहसुन लूँगी एक बड़ा चम्मच भर के, इसी के साथ हम लेंगे इसमें एक छोटे साइज की प्याज, दो से तीन हरी मिर्ची जितना आपको तीखा चाहिए, ठीक है। एक चम्मच डालेंगे हम कुटा हुआ धनिया, इसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ी कोथमीर, थोड़ी पुदीना, यहाँ पे डालेंगे हम काली मिरी, दो चम्मच डालेंगे हम ब्रेड क्रम, आधा चम्मच डालेंगे हम गरम मसाला पाउडर, इसके बाद हम यहाँ पे एक चम्मच भर के मक्खन लिए है, ठीक है। आप घी भी ऐड कर सकते हैं, इससे थोड़े से हमारे कबाब सॉफ्ट बनेंगे, ठीक है ना। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे बुक्की मसाले। तो यहाँ पे मैं डालूँगी एक चम्मच धनिया की बुक्की, पाव चम्मच हल्दी की बुक्की, एक चम्मच भर के जीरे की बुक्की और आधा चम्मच मिर्ची की बुक्की, ठीक है। अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक मैं मेरे हिसाब से ले रही हूँ, आप लोग अपने हिसाब से ले लेना। थोड़ा सा नमक मैं कम डाल रही हूँ क्योंकि मस्का भी खारा होता है, उसमें भी नमक होता है। अब हम डालेंगे इसमें नींबू का रस। यहाँ पे मैंने छोटे साइज का एक नींबू का रस ले रही हूँ, अगर आप बड़ा नींबू ले रहे हैं तो आधा ही लेना, ठीक है। अब मैं इसको अच्छे से हाथ से मिक्स कर लूँगी। लेकिन मम्मी ये मेरी शादी का नहीं, वलीमे का स्टार्टर है। हाँ, तो अरे तेरे ही शादी का है ना, वलीमा भी तो तेरा ही था ना। हाँ। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी मैं ताकि कीमे में अंदर तक मसाले लग जाए हर जगह पे। एक मिनट तक मसलना पड़े तो मसल लेना। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने मसल ली हूँ ताकि मसाला अच्छे से चिकन में लग जाए। अब क्या करेंगे हम, पौना हिस्सा ये कटोरे में रखेंगे और पाव हिस्सा इसमें से निकाल लेंगे। नहीं, आधे का आधा। हाँ, आधे का आधा, ये हम अलग कर देंगे, इसको अलग रखेंगे। अब क्या करेंगे हम, ये जो फूड कलर लिए थे ना ये हम इसमें मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने फूड कलर डाल के इसको मिक्स कर ली हूँ। अब हम इसको रखेंगे साइड में और इसको ले लेंगे। अब यहाँ पर मैं हरा कलर ली हूँ, ये चुटकी भर लेंगे, ये बहुत तेज कलर होता है, बहुत जल्दी काला हो जाता है, इसलिए एक चुटकी भर डाली हूँ। अब इसको भी मिला लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर इसमें मिक्स कर ली हूँ, आप चाहे तो इसको तीखा और कुछ फ्लेवर इसमें ऐड कर सकते हैं, काजू, किशमिश वगैरह कुछ भी, ठीक है। लेकिन मैंने सिर्फ इसमें कलर ऐड करी हूँ। और यहाँ पे मैंने ले ली हूँ मोजरेला चीज। तो अब क्या करूँगी मैं, इसके एक छोटे 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 गोले बना लेंगे छोटे साइज के। ये नरम हो गया है, अब मैं इसको आराम से इस तरीके के
छोटे छोटे गोले बनाते जाऊंगी और रखते जाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने चीज़ का अच्छे से गोल गोल बॉल बना ली हूँ। अब क्या करेंगे हम, ये ले लेंगे हरे वाला कबाब। ये अंदर वाला है ना? हाँ, ये अंदर वाला। इसके अंदर आप कुछ अलग टेस्ट भी दे सकते हैं, अगर आपको तीखा, ज़्यादा तीखा चाहिए या कुछ अलग फ्लेवर चाहिए तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम ये ले लेंगे मोज़रेला चीज़ और इसका मुंह बंद कर देंगे चिकन से। बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। इसको बंद करेंगे, इसको तेल में डाल के पकाएंगे। अब क्या करेंगे हम, थोड़ा सा बड़ा वाला कबाब के पीस ले लेंगे, जितना बड़ा कबाब हमको चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसको भी थोड़ा चपटा करेंगे। इसका भी ये जो हरा वाला बॉल हम इसमें डालेंगे, ठीक है ना। धीरे धीरे करके इसका भी मुंह बंद कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको एक शेप में लाएंगे, जितना चपटा चाहिए, गोल चाहिए, जैसा चाहिए, तो मैं इतने ही रखूंगी। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। अगर इससे बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए, तो आप अपने हिसाब से बना लेना। ठीक है, अब मैं इसी तरीके से दूसरा भी तैयार करके बताती हूँ आपको। तो यहाँ पर इतने कबाब मेरे रेडी हो गए हैं। ये लास्ट का कबाब है, थोड़ा सा बड़ा बन रहा है, थोड़ा थोड़ा बचा था तो मैं बोली चलो इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे, है ना। और यहाँ पर थोड़ा सा कबाबों में ट्विस्ट आ गया है। मैं ये कबाब रेडी करने जा रही हूँ और रियाज मेरे को क्या बना, रियाज ब्रेड क्रम्ब थे वो ऊपर वाले क्रिस्पी, इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब लगे हुए थे इसके वलीमे के कबाब में। तो बोल रहा अभी मेरे को वैसी क्रिस्पी चाहिए, तो मैं अभी इसमें ब्रेड क्रम्ब लगा के फ्राई करूंगी, तभी तो मजा आएगा क्रंची वाले। हाँ, जब भी तो मजा आएगा, जब भी तो मेरे शादियों वाले कबाब दिखेंगे बोलता। तो चलो, अब ये हो गए हमारे यहाँ पे ये कबाब रेडी। अब हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्ब ले ली हूँ। अब क्या करेंगे हम, इसमें भी थोड़ा सा फूड कलर डाल के इसको एक बार घुमा लेंगे मिक्सर में, ताकि ऊपर से हमारे शादियों वाले कबाब, रियाज के शादी के कबाब बराबर दिखना चाहिए। तो यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब मैंने निकाल ली हूँ और यहाँ पे एक अंडा भी ले ली हूँ। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक। आप इसमें चाहे तो थोड़ी काली मिर्च और फूड कलर आपको इसमें मिलाना है तो मिला सकते, मैं सिर्फ नमक मिला रही हूँ। इसको थोड़ा फेंट लेंगे। तो यहाँ पे अंडा अच्छे से मैंने फेंट ली हूँ। अब क्या करेंगे, एक एक कबाब उठाएंगे, बिस्मिल्लाह, इसको यहाँ पे आराम से पलटी कर लेंगे। अरे 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 भाग रहा अंडे की वजह से। इसको थोड़ा सा ऐसा 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 करेंगे ताकि एक तरफ लग जाए और हमारा हाथ गंदा ना हो। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, माशाल्लाह। अब यहाँ पे रखते जाती हूँ, जब तीन चार कबाब को अच्छे से मैं लगा लूँगी तब फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे सारे कबाब को मैंने ब्रेड क्रम्ब लगा ली हूँ अच्छे से, है ना। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे और यहाँ पे हमने तेल रख दिए थे गरम होने के लिए, तो तेल भी हमारा अच्छे से गरम हो गया है, बिस्मिल्लाह। अभी मैं यहाँ पे जितने हमारे फ्राई पैन में आ रहे हैं मैं डाल दूंगी और इसको एक मिनट के लिए ऐसे ही पकने दूंगी। तो यहाँ एक से दो मिनट अच्छे से पक गए हमारे कबाब। अब क्या करेंगे हम, पलटी कर लेंगे। अब अलटते पलटते इसको कम से कम 5 से 6 मिनट तक मैं पकाऊंगी, ताकि हमारा चिकन भी अच्छे से अंदर तक पक जाए। तो यहाँ पे मैंने सारे कबाब पलटी कर दी। तो यहाँ पे हमारे कबाब तैयार हो गए हैं।
यहाँ मैंने इसको 5 मिनट तक अच्छे से पका लिया हूँ। मस्त चीज़ी कबाब मेरे रेडी हो गए हैं। शादियों वाले कबाब यार, हाँ बहुत से लोग को चाहिए था इसकी रेसिपी, फाइनली आज मिल गई। माशाल्लाह। तो यहाँ पे हमारे शादियों वाले चिकन के चीजी कबाब तैयार हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैं आप लोगों को कट करके दिखाती हूँ। मस्त कुरकुरे कबाब मेरे रेडी हो गए हैं। गरम गरम है एकदम। तो दोस्तों तैयार हो गया मेरी शादी का स्टार्टर, ये वाला कबाब जो कि बहुत से लोगों की डिमांड थी कि भाई रियाज भाई की शादी में जो स्टार्टर रखे थे ना वो कबाब की रेसिपी डालो। तो ये शादी नहीं वली में हमने रखे थे ऐसा। तो ये रमजान के अभी इफ्तार के लिए बन रहा है। हाँ बातचीत मतलब जो खाने लोग अपने घर पे बना के खाने के मौका भी अच्छा है, क्योंकि हर साल हर बार अलग अलग कबाब खाने में मजा आता है रमजान में। एक ही कबाब आप बार बार खाओगे तो इतना मजा नहीं आता। ये ग्राइंडर में हमने पीसे है मतलब हमारे मिक्सर में, तो ये बारीक है। उन लोगों का बहुत सारा चिकन का कबाब था तो लोगों ने मशीन में पीस लिया। शायद मशीन का कीमा होगा चिकन हाँ। का या फिर हाथ से किया होगा क्योंकि उनका चिकन थोड़ा जाड़ा जाड़ा था और मम्मी का एकदम ऐसा मुलायम है, एकदम मम्मी ने बारीक पीस के बनाया है। और दूसरी चीज अम्मी ने इसमें चीज ऐड की है क्योंकि उनके कबाब में चीज नहीं था, तो ये अम्मी ने एडिशनल किया है। भाई आपकी मर्जी, चीज आपको ऐड करना, करो नहीं करना है मत करो। हाँ चीज की जगह एक किशमिश का टुकड़ा रख दो या कुछ भी स्वीट ऐसा रखना है रख सकते हैं, मतलब जो आपको रखना है रख सकते हैं। फिर अंदर या जो स्टफिंग किया ना चिकन की उसमें आप मिर्ची डाल के उसको थोड़ा स्पाइसी भी कर सकते हैं या फिर शेजवान चटनी डाल के उसको शेजवान का भी फ्लेवर दे सकते हैं। और वैसा भी तिरंगा दिख रहा है। हाँ और ये ना तिरंगा कबाब दिख रहा है ना, ये देखो बहुत ही मस्त और यूनिक रेसिपी है। हरा लाल है ना, तिरंगा कबाब भी आप बोल सकते हैं। और एक बात, उनका कबाब थे थोड़े चपटे चपटे छोटे छोटे, अम्मी ने एकदम मोटे मोटे बड़े बड़े बनाए हैं। क्यों? क्योंकि ये बनाए हैं स्ट्रीट फूड जायका पे। हाँ, ये आपके घर की नहीं होती है। लोगों ने मेहमानों के हिसाब से बनाए थे तो उनके कबाब एकदम छोटे छोटे थे और ऐसे चपटे थे। हाँ तो बहुत छोटे छोटे थे और ये कबाब में से शायद वो दो बन जाएंगे, वो छोटे थे। ये अच्छे मोटे मोटे मैंने बनाए क्योंकि अभी हमको अफ्तारी के लिए खाना है। और ये फ्रीजर में भी रख के 1 से 2 दिन खा सकते ना फ्राई करने से पहले। 1 से 2 दिन नहीं, ये आप स्टोर कर सकते हैं 8 से 10 दिन के लिए फ्रीजर में रख दीजिए। जब खाना है निकाल के 30 मिनट तक बाहर रखिए, फ्राई कर लीजिए। हाँ। मस्त अफ्तार के लिए फ्रीज कर सकते हैं आप ये। हाँ, बहुत इजी रेसिपी थी, बहुत इजी रेसिपी थी। मैं इसलिए चिकन भी पीस के लाई थी, खाली मसाला मिलाने का था और 2 जगह करके मैंने अलग अलग कलर डिवाइड करी थी, हरा और लाल। हमें ये साल कोई स्वीट की रेसिपी नहीं बनाई रमजान में, इंशाल्लाह। मालपुआ भी तुम बनाते हैं? तो मैं बोली थी मालपुआ बनाऊंगी तो यही बोला, 2 बना है 3 बना है 1 बना है इंशाल्लाह। अभी मैं मालपुआ कुछ हटके लेके आऊंगा अलग तरीके से इंशाल्लाह। तो भाई ये वीडियो कैसा लगा, इसकी कबाब की रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दो। जो हमारे चैनल पे नया है जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करें। हाँ, मत जाना। कबाब की रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा अब शेयर करो, ठीक है। चलते हैं मिलते हैं, और दुआओं में भी याद रखो। हाँ चलते हैं मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के अल्लाह हाफिज़। बाय। दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना।